गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कहते अज अपने लिबरलाइजेशन मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब की होंगे भी जेडे अननेसेसरी लॉज ने उन्होंने रिमूव करना, जेडे अननेसेसरी अपने को लॉज बना लेते लोग उन्होंने अपने रिमूव करना, ठीक है, वो लिबरलाइजेशन होंगी। ग्लोबलाइजेशन की होंगी है भी आप किस तरह के नाल अपनी इंटर डिपेंडेंस या फिर इनक्रीजिंग कोऑपरेशन बढ़ती जा रही है फॉरेन कंपनी के नाल, क्योंकि आप वैसटर्न ज़्यादातर वैसटर्न चीज़ा पाने लग गए ना, तो वह ग्लोबलाइजेशन है। मतलब ऑल ओवर दे विच आप किवें इंटर डिपेंडेंट होंगे जा रहे हैं फॉरेन कंपनीज के उपर, दैट्स मीन दिस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब की है, अननेसेसरी लॉज को रिमूव करना, मीनस जिहड़ी गवर्नमेंट है उहदी प्राइवेट सैक्टर दे विच जिहड़ी इनवॉल्वमेंट है वह घट हुंदी है लिबरलाइजेशन दे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन की है, ग्लोबलाइजेशन जिहड़ी इंटर डिपेंडेंस है अपनी ज़्यादातर फॉरन कंपनीज के उपर, भी आप फॉरन दे चीज़ें ज़्यादातर यूज करन लग गए ना, हुण फेस वॉश या फिर बॉडी वॉश हो गया या फिर अपना हो गया सिंपल वैसटर्न ड्रेसिस ही हो गई, ये ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बिकम ए रियलिटी बिकॉज ऑफ डिवेलपमेंट इन मीनस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन्स मोबाइल्स फैक्स ईमेल्स द्वारा आप करते हैं इंटर डिपेंडेंट हो गए हूँ एक दूजे के उपर, है ना। तो आप फोन टेलीफोन के द्वारा किसी नाल भी गलबात कर सकते हैं, जिदे नाल आपां नूं ऐवें लगता भी अपने जो रिलेशन्स ने वो होर ज़्यादा स्ट्रोंग होंदे जा रहे हैं, है ना। तो यह ग्लोबलाइजेशन है भी जिहड़ी आपां फॉरन चीज़ों के उपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। इनफॉर्मेशन रीचेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर विद सैकेंड्स, तो आप करते हैं टैलीफोन द्वारा अपनी जिहड़ी इनफॉर्मेशन है वो आप एक थान तो दूसरी थान तक पहुँचा सकते हैं। तो अगे आ गया जिवें मनी, मनी नूं ट्रांसफर करना होवे तां वी आपां ट्रांसफर कर सकते, देखो किन्नियां फैसिलिटीज़ आ चुकी ने, यह हैगी है ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि WTO, इहदियां फुल फॉर्म ने उस दिन भी दसियां सीगियां, उस ये फुल फॉर्म ना तुसीं याद करते जाना, इहदे विच की है WTO इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट मोनीटर द ट्रेड रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़, जिहड़ी ट्रेड रिलेशनस बनाती है मतलब किवें इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना चीज़ा, वो कौन बनाता है, WTO। इट वॉज एस्टैबलिश्ड ऑन जनवरी इन 1995। ये भी क्वेश्चन आ सकता है MCQ दे विच भी किस तरह जिहड़ी अपने कोल एस्टैबलिशमेंट हुई सी कदों हुई सी, यदि जनवरी एक नू एक जनवरी 1995 दे विच यदि हुई सीगी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एस्टैबलिशमेंट हुई सीगी, ते कित्थे हुई सी, जनेवा दे विच। द चीफ फंक्शन की है, फंक्शन की है, फंक्शन है इज़ टू फैसिलिटेट ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड टू इनिशिएट डायलॉग फॉर ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, भी जी ट्रेडिंग होनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होना है, एग्रीमेंट्स किमें होने है ना, किमें किसी चीज़ को पहुँचाना है, वो सारा काम ये करते हैं WTO वाले। हाँ जी, स्टैप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर लिबरलाइजेशन, की स्टैप कैरी कर रही है कि चक रही है कि वास्ते लिबरलाइजेशन वास्ते, कहते द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्रीज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लाइसेंस, नाउ अ डेज एनी ट्रेडर कैन सेट अप अ कंपनी विदाउट एनी ऑफिशियल हार्डर। उन्हें यही कहता भी जड़ा अज के दिनों के भी जोड़ा ट्रेडर है वह कंपनी को सैटअप कर सकता विदाउट एनी ऑफिशियल हार्डर, भी कोई रुकावट नहीं आऊगी वो काम के, या फिर वो फ्लोरिस्ट इंडस्ट्रीज ने लिबरलाइजेशन को, है ना, जो वो इंपोर्ट कर सकता एक्सपोर्ट कर सकता सारी चीज़ें ही कर सकता लिबरलाइजेशन। इफेक्ट की पैंदे है ग्लोबलाइजेशन के, इफेक्ट पैंदे एक तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जल्दी हो रहे हैं, एक मॉडर्न ट्रेड की जिहड़ी इंटरनेशनल शेप बनती जा रही है, क्योंकि आप ये चीज़ चाहते हैं भी जिहड़े बाहरले चीज़ां ने वो ज़्यादातर आप यूज़ करते, जिहड़ियां अपनियां इंडिया वाले चीज़ां ने वो घट यूज़ करते हैं, है ना। तो यदा इफेक्ट भी ज़्यादातर पै रहा, टीवी नैटवर्क
सैटेलाइजस का ये उपर भी अपना बहुत फर्क पै रहा। हूँ तुम देख ही सकते हो भी मोबाइल तो बिना तो हूँ छोटे तो छोटा बच्चा भी नहीं रह सकता। अगर अपने खाना भी खिलाना होबाइल भी खाना पैदा फिर वह खाना खाता। डिसएडवानटेजिज की ने क्या जो क्लाइमेट ट्रेड का वो हार्ड हो चुके हैं, कॉम्पीटेटिव हो चुके हैं, कॉम्पीटेटिव मतलब कॉम्पीटिशन बढ़ चुके हैं हूँ है ना, कॉस्ट क्वालिटी सब कुछ इनक्रीज़ हो चुके हैं, प्रोडक्शन इनक्रीज़ हो चुके है ना। तो ये तुम पढ़ सकते हो ग्लोबलाइजेशन से लिबलाइजेशन बारा। मैं तुम्हें दसदा ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो यही होंगे भी जो फॉरन कंट्रीज के नाल आप ज़्यादा रिलेशन बना रहे हैं, तो लिबलाइजेशन का मतलब कि जो अननेसेसरी लॉज ने उन्होंने फॉलो नहीं किया जाता। इफेक्ट्स की पैदा ने, इफेक्ट सब तो पहले तो इंडस्ट्रीज के उपर इफेक्ट पैदा ठीक है। तो ये की आप ग्लोबलाइजेशन हैज ह्यूज इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, इट हैज अफेक्टेड ऑल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज। हूँ ग्लोबलाइजेशन हूँ इंडस्ट्रीज वगैरह सैटअप हो चुकी ने, इंडस्ट्रीज सैटअप हो चुकी ने, तो की होंगे अपने को चीज़ा ने बाहरों आसानी के नालू मिल जाने, तो इन्ना ज़्यादा फर्क नहीं पैंता अपन। तो इंडस्ट्रीज का भी ज़्यादा फर्क पै रहा है ग्लोबलाइजेशन के उपर, एग्रीकल्चर के उपर। हूँ देखो आप कैमिकल फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स या फिर ये चीज़ें यूज़ कर लग गए जिदे नाल जिहड़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वह भी वधदे जा रहे हैं, हूँ वधदी जा रहे हैं है ना। तो फर्टिलाइजर्स आप यूज़ कर लग गए, पेस्टिसाइड यूज़ कर लग गए, मशीनरी आने लग गई, तो यद कुछ साइड इफेक्ट्स भी ने क्योंकि कई मशीनरी इन्नी यू खरीद भी नहीं सकते उन्होंने साइड इफेक्ट्स भी ने। कई मशीनरी खरीद के अपनी फटाफट जी खेती है यील्ड उन्हें बढ़ा रहे हैं, बट कई उपर यह बैड इंपैक्ट भी पै रहे हैं जिदे नाल वो की ने कि अपनी चीज़ों खरीद नहीं पाते, यील्ड की आ घट जाती है। जब डिसलोकेशन ऑफ मैन पावर एंड अनइंप्लॉयमेंट, अनइंप्लॉयमेंट करके भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही ने, या फिर मैन पावर करके क्योंकि कई तो यही नहीं पता लगता भी वो कैपेसिटी की कुछ है कि वह कर सकता काम, अपन नहीं पता चलता, तो जॉब्स की भाल के इधरों इधर भाल जाना पैदा टेक्नोलॉजी की कमी करके है ना। बट ग्लोबलाइजेशन करके कई लोगों को आसानी के नाल ही जॉब्स वगैरह मिल जाए। जो सोशल हारमोनी के उपर भी फर्क पै रहा, हूँ आप करते जा रहे हैं अपने जंगलों वगैरह को ख़त्म करते जा रहे हैं जिदे नाल की है अपना जिहड़ा ग्लोबल जिहड़ा अपना इनवायरमेंट है वह प्रदूषित होता जा रहा है, पल्यूट होता जा रहा है। तुसीं ए वाले इफेक्ट्स रीड आउट कर सकते हो। नैक्सट है रोल, ये तो ना ईवीएस तुसीं एक बार रीड आउट करोगे तो समझ में आ जानी है, तुहानू दोबारा याद करन की जरूरत नहीं पैनी है। रोल ऑफ सोसाइटी इन द डिवेलपमेंट इन इनवायरमेंट, सोसाइटी का की रोल आ डिवेलपमेंट के इनवायरमेंट के, सोसाइटी का तुम्हें पता ही है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स ने जिन्हों स्टडी करना है, तो एक OECD की फुल फॉर्म याद करनी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट, जिहड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 टारगेट्स ने, पॉवर्टी, पॉवर्टी मीनस पॉवर्टी रिड्यूस करना, गरीबी रेखा तो जोड़े नीचे रह रहे हैं लोग उन्होंने की करना, वो तो वह फैसिलिटीज देनिया ने, जब मोर्टैलिटी रेट जोड़े न्यू बॉर्न बेबीज़ ने उन्हों की भी जी रिडक्शन है वह घटानी है, मतलब पॉपुलेशन घटानी है, हेल्थ वाल भी ध्यान दिता जाता, इक्वैलिटी इनवायरमेंट। ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ने, इनू चंकी तरह याद कर लो, रीड आउट ही कर लो एक बार। हाँ जी, पब्लिक अवेयरनेस की है थ्रू एजुकेशन। देखो आप अवेयर तो हैगी है ना, बट फिर भी आप गलतियाँ करते हैं है ना, जिदे नाल अपना जो इनवायरमेंट आ वह की हो रहा है, पल्यूट हो रहा। फर्स्ट अपना बनता फॉर्मल एजुकेशन, हर एक दिल एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए है। जे एजुकेशन कंपलसरी होगी अपन कंजरवेशन मैनेजमेंट का पता चलूगा, सराउंडिंग का पता चलूगा, तो आप इनवायरमेंट को साफ रख सकते। इको क्लब होना चाहिए, इको क्लब का सारे पता होना चाहिए, जिदे अपन ट्रेनिंग दी जाए भी तुम किमें इनवायरमेंट को वधिया बना सकते हो, वो आप एनीमल्स को किमें प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, बर्ड्स को किमें प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। पॉपुलेशन एजुकेशन, पॉपुलेशन के उपर भी जोर देना चाहिए भी किमें किमें पॉपुलेशन को डिक्रीज कर सकते आप है ना। जिमें सरकार ने कहा ही हो भी 2 बच्चे मतलब 2 जे चाइल्ड ने वो मने जाएंगे है ना, दैन एवें जे आप इन बारे अवेयर होवे तो ही आपको पता होगा। एक तो कंपैन आ गई, कंपैन का मतलब
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਕੰਪੈਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ। ਪੀਪਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਰਟ, ਫੋਰੈਸਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪਾਉਂਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ। ਸਮਝ ਗਈ ਜੀ? ਓਕੇ।